नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम इकॉम-टेक का तड़का, और एज यूजुअल वही किसी पीटी बातें करूंगा। आई एम सॉरी, बहुत दिन हो गए ये वो, बट टू बी ऑनेस्ट यस, बहुत टाइम हो गया है और रीजंस दूंगा, एक्सक्यूजेस दूंगा, तो वो उसके कुछ मायने नहीं रखेगा, बिकॉज हर बार मैं वही कहता हूँ कि मैं आ चुका हूँ। लेकिन हाँ, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस और अपडेट्स देता रहूँ अबाउट ई कॉमर्स इंडस्ट्री, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री देखने जाओ तो एक बहुत ही अच्छे दौर से जा रही है, गुजर रही है, और एक बुरे दौर से भी गुजर रही है। क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी चल रहे हैं सेल, ठीक है, बैक टू बैक सेल चल रहे हैं, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे अभी भी, मैं देखता रहता हूँ कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप में भी आते हैं, लोग यही कहते हैं कि सर सेल अभी भी नहीं आ रही, ठीक है। मैं एज अ जनरिक बोल रहा हूँ, जो लोग ड्रॉपशिप कर रहे हैं हमसे उनकी बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोग भी जो हैं उनकी भी सेल्स लास्ट ईयर की तरह नहीं है इस साल, ठीक है। अब सबने एक्सपेक्ट किया था कि सेल काफ़ी अच्छी आएगी अमेजोन पे वगैरह, बट इसके पीछे एक रीज़न क्या है वो भी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, कि अमेजोन और वो सब जो हैं वो तो बड़ा चढ़ा के नंबर्स आपको बताएंगे कि इतना सेल हो रहा है, ये आया प्रोडक्ट और ये फटाक से बिक गया, रियलिटी क्या है वो तो किसी को भी नहीं मालूम। रियलिटी तभी पता चलती है जब सेलर सामने से आके कुछ बताते हैं। तो आप में से अगर कोई सेलर ऐसा है जो जिनके अच्छे सेल्स आते थे और नहीं आ रहे अभी, और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपने साथ, तो वो भी कर सकते हैं, एक 1-to-1 सेशन उनके साथ भी हम रख सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ आइडियाज़ और टिप्स मिल सके। तो कोई ऐसा है जो वॉलेंटरीली हमारे वीडियोज़ में आना चाहता है, तो एक लकी विनर को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लकी विनर तो नहीं कह सकता, तो उनके साथ एक जूम में एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि वो दूसरे सेलर्स क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो ये एक इनिशिएटिव ला सकते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड हो, जो हमारी वीडियोस में आना चाहते हो, फीचर होना चाहते हो फ्री में, तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। हम रैंडमली पिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि रेगुलरली ऐसे सेलर्स को लाएं अपने चैनल में, उनके साथ डिस्कस करें और दूसरों के साथ एक्सपीरियंस जो है उनका वो शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो भी इंटरेस्टेड हो। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सर सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, सेल चल रहा है अमेजोन में वगैरह, तो सेल नहीं आने के पीछे देखिए रास्ते खाली पड़े हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे रास्ते सारे खाली पड़े हैं, यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक का लंबा रास्ता मैं देख पा रहा हूँ, और हार्डली मुझे 5 गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही है यहाँ पे, मतलब रास्ते ऐसे खाली पड़े हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिटेल बिजनेस जो है वो तो बुरी तरह से इम्पैक्टेड है, ऑनलाइन भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो हो गए, क्यों, क्योंकि जो कैपेसिटी थी लोगों की, जो एक्सपेंडिचर कैपेसिटी थी, जो बोनसेस आने वाले थे, वो जो सेल्स हो रहे थे लोगों के, वो काफ़ी सारे लोगों के जॉब्स चले गए उसकी वजह से, एक्स वाई जेड रीज़न बहुत सारे हैं, तो एक काफ़ी कंट्रोल मेजर्स के साथ अभी शॉपिंग हो रही होगी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उसका इम्पैक्ट तो सेलर्स को देखने मिलेगा ही। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री का नाम मुँह से निकल जाता है मेरा, थप्पड़ मारना पड़ेगा खुद को ही, तो अमेज़ॉन हो गया, पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी 2-4 जो वेबसाइट्स हैं, तो वो तो बढ़ा चढ़ा के एड्स करेंगे, ये सेल है, वो है, ये है, बट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पर ही लोग खर्च कर रहे हैं। अब दिवाली का वेकेशन आएगा तो लोग घूमने के लिए भी जाएंगे, तो थोड़े पैसे वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पैसे बचा के रखेंगे। तो आप साइकोलॉजी को समझो, यहाँ पे अगर आप ओवर स्टॉक करके बैठे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत सेल आएगा दिवाली के टाइम और थोड़ा सा स्टॉक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो इस बार थोड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि हर साल की दिवाली की तरह इस साल की दिवाली नहीं है, ठीक है। उतना ही स्टॉक रखने की कोशिश करिए कि आप दिवाली के 3-4 दिन पहले तक वो स्टॉक क्लियर कर लें, ख़त्म कर लें, और आराम से फिर दिवाली एंजॉय कर सकें। जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनको तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट जो लोग हमारे साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हम भी उतना कुछ स्टॉक अभी रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि सेल ओवरऑल कम ही है, आप जितना भी चाहे रख लो, सेल कम ही होने वाला है, क्योंकि रीज़न उसके पीछे भी है, क्यों, क्योंकि एक तो इम्पोर्ट में काफ़ी यहाँ पे कंट्रोल आ गया फिर से, बहुत सारे लोग इम्पोर्ट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्ट सर्विस जो है हम फिर से शुरू कर रहे हैं, तो किसी को भी इम्पोर्ट कराना हो तो वो व्हाट्सएप में दिए जो नंबर है व्हाट्सएप का, वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बट जो इम्पोर्ट हो सकता है वही इम्पोर्ट होगा, और बाई सी ही होगा, बाई एयर इम्पोर्ट नहीं होगा, तो इम्पोर्ट फिर से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अब इम्पोर्ट में कोई इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा है। तो
तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं इम्पोर्टर से भी खरीदते हैं, बट प्राइस में बहुत डिफरेंस है। आप लोग कहते हो प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, अरे प्राइस तो ज़्यादा ही आएगा ना भाई, हमको ही ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। तो अब इम्पोर्ट जैसे कि शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग भी इम्पोर्ट करा के अच्छी मार्जिन में सेल कर सकते हो जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और जिसमें मार्जिन अच्छा मिले, और हम भी कोशिश करेंगे कि इम्पोर्ट करके और अच्छी मार्जिन मिलाए, बट तब तक आपको शांति से बैठना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्ट बोला तो इम्पोर्ट तुरंत नहीं हो जाएगा, वहाँ से रॉकेट से लॉन्च नहीं होगा समुंदर से आएगा जहाज धीरे 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 40-50 दिन उसमें भी लग जाते हैं, ओके। तो बिजनेस ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा बहुत सारे लोगों का या क्या करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये साल शांति से आप लोग बैठो, जैसे सदगुरु बोलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे गुरु बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं, ये साल जो है आराम से चुपचाप जो है उसको सस्टेन करो, जैसे तैसे निकालो, और अगले साल से अच्छी प्लानिंग करो, क्योंकि अगले साल तक होपफुली वैक्सीन भी आ जाएगी, नहीं आएगी तो भी कुछ ना कुछ लोग जुगाड़ कर ही लेंगे, ठीक है, बॉडी में कुछ ना कुछ लगा लेंगे जिससे कोरोना जो है वो ना बढ़ सके आगे। तो गले में खिचखिच बहुत ज़्यादा है, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो प्रॉब्लम्स बिजनेस में इस साल रहने वाली हैं, इससे आप बच नहीं पाओगे, कोई भी नहीं बच पाएगा। बड़ी से बड़ी कंपनी है वो भी अभी प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस अब सोचना बंद कर दें, ताला लगा लें दिमाग में और आगे क्या करना है, नथिंग। थोड़ा सा आपको इनोवेटिव सोचना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट्स आप अभी बेच रहे हैं, जो नहीं बिक रहे हैं, उसकी जगह आप कौन से ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला के कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मैंने पहले भी बोला था बहुत बार कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो आप कोलैबोरेशन करो, ठीक है। अब कोलैबोरेशन क्या होता है, ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है आप सबके प्रॉब्लम्स के लिए। कोलैबोरेशन क्या होता है, जैसे कि हम एक कंपनी है, हम कोलैबोरेट करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, आप भी एज एन इंडिविजुअल एज ए कंपनी कोलैबोरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई सेलर हूँ, मैं मेरे पास वेयरहाउस है, हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब कुछ लोग हमारे साथ कोलैबोरेट करके उनके प्रोडक्ट्स हमारे वेयरहाउस में रखते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट की जो रेंज है वो भी बढ़ जाती है, साथ साथ जो बायर्स हैं हमारे उनके लिए भी रेंज बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जो जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है, मटेरियल रख रहा है, उसका भी सेल हो रहा है, बायर्स जो हैं उनको भी मज़ा आ रहा है, हमको भी मज़ा आ रहा है, तो तीनों पार्टी को यहाँ पे मज़ा आ रहा है, कुछ यूनिक यहाँ पे होता है। तो ऐसे कोलैबोरेशन करिए। अगर आपके पास स्पेस है, रिटेल स्पेस है, अगर आपकी रिटेल की दुकान है, तो वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स को छोड़ के सर्विसेज के बारे में भी वहाँ पे लिखिए कि यू आर प्रोवाइडिंग दिस एंड दिस सर्विसेज, और उसके लिए आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो लगेगा नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपकी होम एंड किचन की दुकान है, लोग आते हैं 50-100 लोग आते हैं रोज, ठीक है, अगर आप वहाँ पे एक बैनर लगा देते हैं कि GST रजिस्ट्रेशन ₹500, GST फाइलिंग ₹500, वेबसाइट डेवलपमेंट ₹5000, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट ₹10000, तो ये लगाने के आपको पैसे नहीं लगेंगे, एक कलर प्रिंटआउट निकालना है और वहाँ पे लगा देना है। अगर 100 में से 10 लोग भी देख लेते हैं, और 10 लोग में से अगर 2 लोग भी आपको अप्रोच करते हैं, 2 में से 1 लोग भी आपको अगर दिन में एक बंदा आपको कन्वर्जन दे के जाता है, तो बैठे बैठे ही काम हो गया ना आपका। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दुकान है तो बस प्रोडक्ट्स ही बेच रहे हैं, सर्विसेज भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो। सर्विसेज आप कोलैबोरेशन किसी के भी साथ करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। आपकी स्पेस है, आपकी दुकान है, और आपको पता ही होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो सर्विसेज के बेसिस पे ही काम चला रही है और घर चला रही है उनका, उनके एम्प्लॉइज का। तो सर्विसेज कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वहाँ से प्रॉफिट जो होता है वो पूरा नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक रफ कैलकुलेशन भी अगर आप करोगे कि महीने में अगर आपने 5 कर लिए तो साल में आपने 50 कर लिए, तो भी आप सोचोगे कितना आप बैठे बैठे निकाल सकते हो बेस्ड ऑन जस्ट 1 प्रिंट आउट। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपकी रिटेल की दुकान है, आप किसी और दूसरे जो आपके रिलेटिव्स में हो उनके साथ कोलैबोरेशन करो, उनके प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे रखो, आपके प्रोडक्ट्स आप उनको दो, तो ऐसे ही काम चलने वाला है अब 2020 में कोलैबोरेशन करके। किसी के बिजनेसेस में मैंने देखा है बहुत बार काफ़ी सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ काम नहीं होता है तो गालियां पे आ जाते हैं, ठीक है, सारी तरह की गालियां देते हैं, इधर की उधर की, ओके, इससे कोई बिजनेस का सोल्यूशन नहीं आने वाला, ठीक है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन एक्सपेक्ट करो कि सोल्यूशन क्या मिल सकता है। गाली गलौज करने से, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो नए नए जुड़ते हैं तो बहुत अपने आप को होशियार ही समझते हैं, नो डाउट कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं,
और कुछ काम ढंग का ना हो तो एज यूजुअल आ जाते हैं। ज़्यादातर यंगस्टर्स लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें खून बहुत ज़्यादा गर्म है और उतनी शांति से नहीं सोचते हैं कि भैया बिजनेस में रिलेशनशिप ख़राब करने से फ़ायदा नहीं होता है, कुछ भी नुकसान ही होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा, कोई भी ऐसा सप्लायर नहीं होगा, आप चाहो तो ढूंढ लो, पूरा इंडिया घूम लो, कहीं पर भी आपको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा बिजनेसेस में। कहीं ना कहीं खामियां निकलेंगी ही निकलेंगी, ठीक है, सर्विसेज हो या प्रोडक्ट्स हो या कुछ भी हो। तो वो सारी चीज़ों के लिए अगर आप गालियां देते फिरेंगे तो आप कहीं बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टन थिंग्स और साथ में मिल के आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, किसी की अगर नीयत ही गलत है, कोई अगर बंदा ही वैसा टेढ़ा है तो बात अलग है, ठीक है, तो फिर आप अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई है वो कर सकते हो, लीगल भी ले सकते हो। बट आप ओवरऑल पिक्चर को समझने की कोशिश करो कि कोई अगर कंपनी है जो 10 साल से काम कर रही है, 15 साल से काम कर रही है, ठीक है, आप उन कंपनी वालों को फ़ोन करके गालियां दोगे तो फिर आप ही का रेपुटेशन ख़राब होगा मार्केट में, क्योंकि वो तो जो है उनके नेटवर्क में बता देगा कि ये बंदा है जो गालियां देता फिरता है, मटेरियल नहीं देने का। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जो भी यंगस्टर्स हों आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, और गाली गलौज पे मत आना। हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ को भी कुछ लोगों ने गालियाँ दे दी, ठीक है, तो वही कह रहा हूँ कि गाली गलौज पे मत आओ दोस्त, ये बिजनेसेस में होता रहता है, ठीक है। गाली गलौज दोगे तो एट द एंड तुमको फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है, समझ लो, ठीक है। जो भी है वो प्यार से निपटाओ। और बिजनेसेस में क्या है कि जितना आप कॉपरेशन के साथ रहोगे आज नहीं तो कल, उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। और जितना नेगेटिविटी के साथ और ऐसे गालियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर बिजनेस कहीं ना कहीं आपका रुक जाएगा। कोई भी आप देख लो बिजनेसेस में, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड, इतना एंगर के साथ आप बिजनेसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत शांत दिमाग से आपको काम लेना पड़ता है, एकदम ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है और पेशेंटली बिजनेसेस को आगे लेके जाना पड़ता है। कोलैबोरेशन इज द वन थिंग जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोलैबोरेशन करिए, अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ लोग नेगेटिव भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, ठीक है। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यू, ओके। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जॉब अगर कर रहे हैं और बिजनेस में आने की सोच रहे हैं तो अभी जॉब को कंटिन्यू रखिएगा और बिजनेसेस में नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करिएगा। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं अवेलेबल जो अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोमिता जी हैं ई कॉमर्स के बारे में, अर्जुन भाई है, फहाम है, ठीक है। आप उनके साथ भी एक हम वीडियो जूम वीडियो कोलैबोरेशन करने वाले हैं बहुत जल्द, तो चारों लोग जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली चारों साथ में आएंगे और आप लोगों के साथ भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे साथ में बहुत जल्द। आई थिंक मे बी बाई एंड ऑफ दिस वीक वो भी एक वीडियो जो है वो आ जाएगा। अब मेरा प्लान क्या है वो थोड़ा सुन लीजिए, इतना आपने सुन लिया है तो ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो वीडियोज़ है रेगुलर वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ बनेंगे, स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ भी बनेंगे, सुन लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ क्यों बनाना ज़रूरी है, क्योंकि दो रीज़न है। एक तो इनकम भी हो जाती है हमारी, गले में खिचकिच, एक हमारी इनकम भी हो जाती है, दूसरी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। अब इन्फॉर्मेशन लेनी ना लेनी आपके लिए सूटेबल है या नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हम ज़्यादातर जो है स्पॉन्सर वीडियोज़ वैसी कंपनी के ही बनाते हैं जो रिलेवेंट हो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के या फिर बिजनेस रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी बनेंगे। वेयरहाउस की विजिट्स होंगी कल से ही, कल के वीडियो से ही ब्लॉग्स जो बन रहे थे वो भी बनेंगे, ठीक है। और नई नई चीज़ें भी देखने मिल सकती हैं, नई नई चीज़ें टूटती हुई भी शायद देखने मिल सकती हैं, ठीक है। मैंने साइड में अलग कर रखवाया हुआ है सामान जिसको मैं अनबॉक्सिंग करूँगा जो पुराने स्टाइल में, और आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वैसी पड़ी हुई, तो वो चीज़ें हैं। फिर आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उसको भी मैं जवाब उसका भी जवाब दूंगा। तो एक स्ट्रक्चर मैनर में वीडियो बनाने की कोशिश है, कल से वीडियोस बनाएंगे, सुबह बन जाएंगे, शाम तक वो वीडियोस भी आ जाएंगे। अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा यहाँ पे नहीं खींचूँगा, तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों जाते जाते कि 2020 इज़ गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ ईयर। डोंट पैनिक, पैनिक मत करिए, और हाँ अगर टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छे वीडियोस देखिए, ठीक है, पॉजिटिव वीडियोस देखिए बहुत सारे। मैं एक नाम दे दूंगा आप सबको, सद्गुरु, ठीक है, उनकी वीडियोस आप देखिए और हर तरह के वीडियोस देखिए, अच्छे हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं और काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और अपने ये भी हैं संदीप महेश्वरी, उनके भी देखिए,
उनके भी काफ़ी अच्छे वीडियोज होते हैं। तो ऐसे टफ सिचुएशन में अपने को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और डीमोटिवेटेड रहने से, डिप्रेशन में रहने से इंसान कुछ भी गलत काम कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, हो सकता है, तो वो ना हो, इसलिए खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं भी काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, मैं आप लोगों को फ्रेंकली बताता हूँ। वो एक दो महीना जो गया वो काफ़ी अच्छा नहीं गया, हेल्थ वाइज दूसरे भी रीजंस थे उसकी वजह से, काफ़ी डिप्रेशन में भी था, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब दुनिया ख़त्म हो गई है और उल्का पिंड गिरने वाला ताही मां, बट हाँ एक वो था, फेस था जिससे अब निकल चुके हैं, तो अब जो है वो सीधा ही जाना है, ठीक है, पीछे नहीं जाना। तो आप लोग जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं एक अश्योरेंस आप लोगों को देना चाहूँगा कि देखो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पूरी कोशिश है मेरी तरफ से कि जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनको भी साथ में लेके जाऊँ। बट ये साल जो है ये साल थोड़ा टफ रहेगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ सबको पता है कि ये साल जो है वो नॉर्मल ईयर नहीं है, आप नॉर्मल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस साल में, ठीक है, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, बट हम कोशिश कर रहे हैं और जैसे तैसे आगे निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, पेशेंस के साथ काम करिए, ठंडे दिमाग से काम करिए और मोटिवेटेड रखिए अपने आप को, बहुत ज़रूरी है, ओके। सो चलिए मिलते हैं कल फुल टू एकदम धमाकेदार ब्लॉग के साथ, और ये वीडियो आप लोगों को कितना अच्छा लगा लाइक से पता चल जाएगा, कितना अच्छा नहीं लगा और डिसलाइक से पता चल जाएगा, ओके। सो दैट्स अबाउट इट, लंबे चौड़े वीडियो के बाद, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।